क्या आपका मन पढ़ाई में कम लगता है? क्या पढ़ते पढ़ते आपका ध्यान कहीं और चला जाता है? क्या परीक्षा के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं? आज के इस वातावरण में पढ़ाई से ध्यान हटने का एक साधारण सा कारण होता है, और वो है मन का विचलित होना या मन का डिस्ट्रैक्ट होना। जो चीज़ें इस समय में विचलित करती हैं वो हैं सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स, दोस्त, परिवार, शोर शराबा। हर किसी व्यक्ति का विचलित या ध्यान हटने का एक पॉइंट होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है, आप क्या करते हैं, कुछ न कुछ आपके साथ ऐसा होता होगा जिससे कि आपका मन विचलित हो जाता है। आपके साथ जरूर ऐसा तो हुआ होगा कि आप कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और उसी समय आपकी सोशल नेटवर्क वेबसाइट पर आपका कोई मैसेज आ गया और आप अपने मैसेज को देखने के लिए गए तो उस चक्कर में एक दो घंटा चैट्स में ही निकल गया और उसके बाद आप अपने वापस काम पर लौटे। कुछ ऐसा ही होता है आजकल हमारे साथ। ये एक नॉर्मल सी बात हो गई है, ये हमारी ज़िंदगी से जुड़ गया है डिस्टर्ब होना। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 11 टिप्स बताऊंगा कि आपका मन ऑटोमेटिकली, चाहे पढ़ाई हो या आपका कोई इम्पोर्टेंट काम हो, उसमें आप कैसे लगाएं। तो जो सबसे पहली चीज़ है जो आपको ध्यान देनी चाहिए, पढ़ाई करने के लिए सही जगह चुनें। आप कितना अच्छा ध्यान लगा कर पढ़ाई कर सकते हैं वो आपके परिवेश और वातावरण के ऊपर है, इसलिए अपने पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान बनाए रखने के लिए सही जगह का चुनाव बहुत ही आवश्यक है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे एक ऐसी जगह ढूंढें जहां शांत वातावरण हो, ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंडी ना हो, बैठने के लिए एक अच्छी चेयर और टेबल हो, किताबों को अच्छे से रखने की सुविधा हो। कुछ लोग पढ़ाई करते समय गाना सुनते हैं तो गाने को उतना ही सुने जितने में आपका मन विचलित ना हो। उस कमरे के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाएं। कई बार ऐसा होता है कि अनएक्सपेक्टेड पर्सन विदाउट नॉक की आपके कमरे पे आ जाता है और आपकी डिस्टर्बेंस, मतलब ध्यान को बाधा पहुंचा देता है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है पढ़ाई को अपना नियमित कार्य बनाएं। मेक योर स्टडी योर रूटीन वर्क। जिस प्रकार सभी कार्यों के लिए आप कुछ ना कुछ योजना बनाते हैं, उसी प्रकार पढ़ाई के लिए भी योजना बनाएं। ज़्यादातर लोग पढ़ाई को नियमित कार्यों से अलग मानते हैं, ऐसा करना सही नहीं है। हर दिन पढ़ाई करने के लिए टाइम टेबल चार्ट बनाएं और उसके समय पढ़ाई करें। पढ़ाई को रेगुलर एक्टिविटी से अलग ना समझें। पढ़ाई करने के लिए हमेशा उत्साहित, मोटिवेट रहें। 45 मिनट से ज़्यादा लगातार पढ़ाई का समय टाइम टेबल में ना रखें, बीच बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लें। ध्यान दें कि आपको दिन या रात किस समय पढ़ने में आसानी होती है, उसी के अनुसार अपना समय चार्ट बनाएं। तीसरी जो बात है वो है सभी ध्यान हटाने वाली चीज़ों को दूर करें, जैसे मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, गेम्स कंसोल, टेलीविज़न। ये चीज़ें आपके पढ़ाई वाले कमरे में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बार बार आपका ध्यान इन्हीं चीज़ों पर जाएगा, विषय पर नहीं। चौथी चीज़ है अच्छे से पढ़ें, गुड रीड। किसी भी चीज़ को बस पढ़ लेने से कुछ नहीं होता, उसे अच्छे से पढ़ने के साथ सीखना भी ज़रूरी होता है। इससे आप पढ़ते समय बोर भी नहीं होंगे और ध्यान भी बना रहेगा। अब मैं कुछ तरीके आपको बता दे रहा हूँ जिसकी मदद से आप अच्छे से सीख सकते हैं। अपने पढ़ाई के कार्यों को किसी प्रकार से अच्छे से समझते हुए पूरा करने के लिए अपना लक्ष्य तय करें। मेक योर एम। अपनी मेहनत के लिए स्वयं को शाबाशी दें और उसी शाबाशी से प्रेरणा लेकर पढ़ाई में और मन लगाएं। हमेशा सकारात्मक विचारों से जुड़े रहें और कमरे में कोई भी नकारात्मक चीज़ें ना रखें। अपने विचारों और एहसास को अपने दोस्त परिवार को बताएं और उनसे जानें कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। पांचवी चीज़ है अनुशासित रहें, बी डिसिप्लिन्ड। लंबे समय तक पढ़ाई में अगर ध्यान लगाना है तो अनुशासन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। आपका मन भले एक तरफ से दूसरी तरफ जाने लगे, परंतु अनुशासन वो चीज़ है जो आपका ध्यान दोबारा हटने नहीं देता। जब कभी आपका ध्यान गलत जाने लगे तो झट से रोकिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए।
धीरे धीरे आप नियमित रूप से टाइम टेबल के अनुसार जब पढ़ाई करने लगेंगे तो आप स्वयं अनुशासित हो जाएंगे। ठीक है, पढ़ाई को मजा समझ करके पढ़ें, ना कि इसे बोझ। अगर आपको तब भी मुश्किल हो रही तो अपनी गलतियों को पहचानें और उसमें सुधार करने की कोशिश करें। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। छठवीं बात है कि जानिए आपको कब आराम करना है, पढ़ाई में कब थक जाते हैं आप और आपको कब आराम की ज़रूरत है, इन चीज़ों का ध्यान रखें। सातवीं चीज़ है, अपनी प्रगति को देखें, मॉनिटर योर प्रोग्रेस। अपनी पढ़ाई के तरीके को अच्छे करने के साथ साथ अपनी प्रोग्रेस को चेक करते रहें। अपने आप से क्वेश्चन करें कि आपका मुख्य लक्ष्य क्या है, सप्ताह में आपने क्या प्राप्त किया, आज आपने कौन सा महत्वपूर्ण पढ़ाई की, आपने टाइम टेबल के अनुसार कितना पढ़ा और इसमें सुधार लाने के और क्या तरीके हो सकते हैं। अपने शरीर को पहचाने, आठवीं बात है अंडरस्टैंड योर बॉडी। हम सब का एक पढ़ने का अलग तरीका होता है, अलग वजह होती है और अलग माहौल होता है। कुछ लोग सुबह अच्छा पढ़ते हैं, कुछ लोग रात को, तो कुछ लोग दिन में। तो अपने आप को पहचाने कि आप किस में परफेक्ट पढ़ाई करते हैं, उसी समय पढ़ाई करें। नौवीं बात है अच्छी नींद सोएं, गेट एनफ एंड गुड स्लीप। सोने के कई फायदे हैं, आपका दिमाग शांत रहता है, दिमाग मजबूत रहता है। ठीक है, जब आप अच्छे से सोते हैं तो आपके हार्मोन सही तरीके से रेगुलेट होते हैं, थके हुए शरीर से पढ़ाई नहीं होती है और आपका ध्यान भी बहुत भटकता है। दसवीं बात है अच्छा खाना खाएं, ईट हेल्दी फूड। अच्छा खाना खाने से आप हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे और आप सभी अपने कार्य को उत्साहित ढंग से कर सकेंगे। अच्छा फल, सब्जियाँ, अनाज खाने से दिमाग की शक्ति बढ़ती है और मन भी पढ़ाई में लगता है। ज़्यादा फैट, मीठा, कार्बोहाइड्रेट युक्त खाने से दूर रहें, यह आपके शरीर के लिए हानिकारक है। और अंतिम बात है इस वीडियो की, एक समय में एक ही काम करें, डू वन थिंग एट अ टाइम। एक ही समय में एक ही कार्य करने की आदत डालिए, ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में ये बहुत उपयोगी हैं। जैसे अपना ध्यान आप पूरी तरीके से एक ही चीज़ के ऊपर रखें, जब एक काम पूरा हो जाए तब दूसरे काम पर जाएं। एक ही समय में बहुत सारे कार्य करने की कोशिश से सभी कार्यों को आपको अपूर्ण रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स जो आपको पढ़ाई में मन लगाने के लिए काफ़ी कारगर हैं। आशा करता हूँ अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर कोई बातें समझ में नहीं आई हैं तो कमेंट में पूछें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें एग्ज़ाम मास्टर, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज़, एग्ज़ाम वीडियोज़ और तैयारी के वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।